हेलो एवरीवन, क्रेजी रेसिपी विद मुस्कान चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ मुस्कान एंड आज मैं आपके लाई हूँ बहुत ही स्वादिष्ट फ्राइड राइस की रेसिपी, जिसे आप बना सकते हो अपने बचे हुए चावलों से। एंड वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ये चावल हैं जो कल रात बच गए थे, इन्हें मैंने उठा के रख दिया था। अब इनको मैं बनाऊंगी फ्राइड राइस, जिसके लिए मैं ले रही हूँ कुछ सामान जैसे प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर, हरी मिर्च। अब हम एक कढ़ाई में डालेंगे ऑयल, तो हमें ऑयल ज़्यादा नहीं डालना है, हमें इसे एक हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाना है। तो अब इसमें डालेंगे हम, जब तेल हमारा गर्म हो जाएगा तो एक चुटकी हींग, और जब हींग हमारी अच्छे से पक जाएगी तब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच जीरा, और जीरे को भी अच्छे से हमें इसे भुनने देना है ताकि जीरा का जब पक जाता है तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अभी हम डालेंगे इसमें प्याज, तो प्याज मैंने लंबी लंबी कट करी है, और मैं डाल रही हूँ इसमें लहसुन। अभी मैं प्याज और लहसुन को अच्छे से इनको भूनना है हमें, और ये ब्रेकफास्ट बहुत ही हेल्दी होता है। सो गाइस, अभी हमारा जो प्याज और लहसुन है वो अच्छे से फ्राई हो चुका है, तो इसमें हम डालेंगे अदरक जिसे मैंने कद्दूकस किया था, और अब हम डालेंगे इसमें बारीक कट किए हुए टमाटर और हरी मिर्च। तो हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम डालेंगे एक चम्मच नमक, जिससे कि हमारे जो टमाटर हैं वो अच्छे से गल जाएं। अभी हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ एक छोटा चम्मच हल्दी, एक चम्मच लाल मिर्च, एक चम्मच गरम मसाला और एक चम्मच धनिया। ये छोटा चम्मच है गाइस, मैं ज़्यादा मसाले नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में जितना कम मसाला खाया जाए उतना अच्छा है। तो बहुत ही छोटे चम्मच के से एक चम्मच मैंने डाला हुआ है, और जब हमारा मसाले अच्छे से पक जाएंगे तब इसमें डालेंगे मटर। तो गाइस, ये फ्रोज़न मटर है, अगर आपके पास हरी मटर है तो आप उसको उबाल के डालें, नहीं तो वो पक नहीं पाएगी। और अच्छे से मसाले को मिक्स कर दीजिए। अभी हम इसमें डालेंगे चावल, तो चावल हम थोड़े थोड़े करते हुए हाथ से डालेंगे ताकि जो चावल है वो अलग अलग हो जाए। थोड़े चावल डालेंगे, उसके बाद थोड़े चावल अभी बचा लेंगे, और इनको अच्छे से मिक्स करना है हमें ताकि जितना भी मसाला है वो चावलों में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो इस तरह से हमें अपने चावलों में मसाले को मिक्स करना है, और गैस का फ्लेम रखना है मीडियम ताकि चावल नीचे लगे ना। अभी जो बाकी के बचे चावल हैं उनको भी हम डाल देंगे हाथ से। अगर आप इस तरह से आप मॉर्निंग ब्रेकफास्ट बनाते हो तो आपके चावलों का भी यूज हो जाता है, और टेस्टी ही ब्रेकफास्ट भी मिल जाता है। तो अब इन सारे चावलों को अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। इसको चलाते हुए अच्छे से इसके सारे मसालों को मिक्स करना है हमें। तो देखिए, जो हमारा मसाला है वो बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है चावलों में। ऐसे में इसे चलाते रहना है ताकि जो हमारे चावल है वो नीचे लगे ना। सो सारा मसाला मिक्स हो चुका है, अब हम डाल रहे हैं इसमें मैगी मसाला। तो एक मैगी मसाला का फ्लेवर, ताकि हमारे जो राइस का फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा है, इसलिए इसमें ऐड कर रहे हैं मैगी मसाला, जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तो बस हमें इस मैगी मसाले को भी अच्छे से मिला लेना है। सो आप देख रहे हैं ना, फ्राइड राइस जैसा लग रहा है ना, तो हमारा फ्राइड राइस बनके बिल्कुल तैयार है। आप मॉर्निंग में ऐसे हेल्दी ब्रेकफास्ट कर सकते हुए, अगर आपके यहाँ भी चावल बच जाते हैं रात में तो उसे फेंकने की जरूरत नहीं है, उसका यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय गाइस।